I'm amazed that this is the kind of talent you've been able to see. Ab sochiye ye to sirf aapki aankh tak pahunche hain aur kitne honge is pure region mein. So wishing you all the very best for that, but let's move a little beyond 100 cube now. 100 cube se thoda hatkar main Orissa ki baat karna chahti hoon, main pure eastern region ki baat karna chahti hoon, several states that form this part of our country. Also because, Mr. Pradhan, you have emerged as a very, very prominent face from this part of the India. So even more reasons for me to put these questions to you, Mr. Pradhan. And I want to begin by asking, ki aapki vision kya hai? Sirf Orissa ke liye nahi, is pure region ke liye. Kya aapko lagta hai ki purane zamane mein, you know, this entire space that at one point in time was known as Kalinga, the ancient seat of learning, that do we have the kind of wherewithal to ensure that we will be able to restore the glory of ancient Kalinga at some point in time for us? मैं इतने कम छोटा ambition पे नहीं हूँ. मैं restoration से आगे बढ़के नया creation की ओर जाने वाला हूँ. और मेरे बच्चों पे मेरा पूरा भरोसा है. Restoration अगर ये तो ऐतिहासिक चीजें तो हो ही जाएगा. जी. जब एक लंबी छलांग लगाएंगे. लंबी छलांग दुनिया की कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ईस्टर्न इंडिया से ही आएगा. इसकी कुछ साइंटिफिक कारण है. okay. ऐसे ही नहीं मैं कह रहा हूं. प्रॉब्लम जहां होगा सॉल्यूशन ही वही निकलेगा. जी. जहां प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन ही निकलेगा. जी. अगर इसी प्रमाइस से अगर हम उसकी इस हमारी लॉजिक को बिल्डअप करते हैं, इस आर्गूमेंट को बिल्डअप करते हैं. देखिए, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि देश की टैलेंट पूल कहां है. जिनकी पेट में हंगर है, जो भूखा है वही खाद्य की अन्वेषण में जाएगा. रोजगार ही हमें चाहिए. ज्ञान की अथाह भंडार इस इलाका में है. मैं पुराने दिनों में यहाँ की कृति के बारे में मैंने पुराने जमाने में हम अच्छे थे और कलिंग हमारा था. हम मगध के साथ एक लंबी लड़ाई लड़े थे. आप मगध से हो, मैं कलिंग से हूँ. हम सर नहीं झुकाए थे. इतिहासकारों ने मेरे बारे में लिखा कि ये धर्माशोक चंडाशोक को यही धर्माशोक हो गए. मैं आज बड़े मैं कभी इस विषय में मैं कभी अपोलोजिटिक नहीं रहता हूँ. इसी भूमि में जहाँ बैठे हुए इसी भूमि में हमने अशोका को हराया नहीं था, थकाया था. कितना मारने मारो मातृभूमि को हम नहीं छोड़ेंगे. कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. उनको तलवार छोड़ना पड़ा. जी. ये उड़ीसा है. इसलिए तो थे ही हम. उसे आगे बढ़ना पड़ेगा. उसे आगे बढ़ना पड़ेगा. देखिए, जो एक इलाका दो टेम्पलेट प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल से बनाई है, हमारी भाग्य है कि आज देश की नेतृत्व करने वाले लोगों में हमारे कैप्टन प्रधान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है. एकदम समाज जीवन की समस्या से अंदर से आने के कारण उनकी एक कल्पना है. और भारत में आजादी के बाद शायद वो ही एक एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जिन्होंने गरीबी से आके यहां तक पहुंचे. जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.